أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام آمین. اور میری زبان کے گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عمران خان اور میں ہوں حلیمہ ذوالفقار. سحری کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 15ویں سحری ہو گئی ہے, آدھا رمضان گزر چکا ہے اور آدھا باقی ہے. ہم تو یہ امید کر رہے ہیں 30 روزے مکمل ہوں تاکہ ہمیں اور بھی زیادہ مزہ آئے رمضان کا. اور ایک جو دن ہم رہ جاتا ہے, بھول جاتے ہیں ہمیشہ کہ ہوگا یا نہیں ہوگا, وہ بھی ہمیں حاصل کرنے کی سعادتیں ملیں. تو یہ وقت جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنی جھولی بھرنے کا ہے. تو میں یہی امید کرتی ہوں کہ میں, عمران, ہمارے جو مہمان ہیں اور آپ تمام جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ اس وقت کو نہ بھولیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنی جھولیاں بھر لیں. تو پھر ہم اللہ کی رحمتوں سے جھولیاں بھرتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وجاء ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم. ما شاء الله جی. سبحان اللہ. ناظرین, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا. ناظرین, حسد جلنے کڑنے کا نام ہے. وہ نعمت جو انسان کو خود میسر نہ ہو, کسی اور کو میسر ہو, اس پر یہ سوچنا, جل کڑ کے یہ سوچنا کہ میرے پاس یہ نعمت آئے یا نہ آئے, اس آدمی کے پاس بھی نہ رہے, اسے ہم حسد کہتے ہیں.
ये इतना नापसंदीदा अमल है कि अल्लाह ताला ने सूरह फलक में इससे अपनी पनाह मांगने का हुक्म दिया है। वमिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद, और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ हासिद की बुराई से जबकि वो हसद करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को। बिल्कुल। नाज़रीन, हम अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, रमज़ान हसद के खात्मे का महीना है। बिल्कुल जी, रमज़ान हमें जहाँ बहुत सी नेकियां करने की तरकीब देता है, वहीं इस तरह की बुराइयां भी हमें अपने दिल से निकाल के नोच के फेंक देने का भी एहसास दिलाता है कि ये वो महीना है जिसमें हमें एटलीस्ट इस महीने के को अगर हम 30 दिन अपने दिल से हसद निकाल दें तो शायद बाकी के 11 महीने भी हमारे लिए बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हसद ऊँट को हांडी में पहुँचाने का काम करती है। तो ये इमरान कितनी बड़ी चीज़ है, इससे हमें बचने की कितनी ज़रूरत है। और जिस तरह आपने कहा कि ये दुआ मांगने की भी हमें ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमें हासिदों के हसद से बचाए। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सवालों का सिलसिला जारी करते हैं। इमरान, आपकी इजाज़त है? जी, हसब मामूल हम डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हमारा आज का पहला सवाल ये है, हसद के बारे में कहा जाता है कि ये हर दौर और हर मुआशरे में पाया जाता है, ऐसा क्यों है? ये एक बड़ी कभी रूहानी बीमारी है, और ये बीमारी सरकार ने फरमाया कि ये सर को नहीं, ये दीन को मोड़ देती है। अल्लाह। और ये बहुत सारी आगे दीगर बीमारियों का ये पेश खेमा साबित होती है। जब इंसान हसद का शिकार हो जाता है, फिर वो मासूद से के खिलाफ प्रोपेगंडा भी करता है, बदज़बानी भी करता है, कीना अनाद बुग़्ज़ वो भी उसके अंदर दार आता है, फिर उसकी वो गीबतें चुगलखोरियाँ और उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से नुकसान पहुँचाने के नए नए हरबे सोचता है, अपनी तरफ से तवज्जो हट जाती है, अपनी सलाहियतें मफकूद हो जाती हैं और वो सारी नेगेटिव तरफ लग जाता है। इसीलिए वो सूरह निसा की जो आयत आपने पढ़ी तो उसमें भी अल्लाह करीम ने फरमाया कि अम यहसदून अन्नास अला मा आताहुम अल्लाह मिन फ़ज़लिही, भाई उसको दिया अल्लाह ने है, तुम कौन होते हो? तो गोया वो हसद जो है वो मासूद से वो हसद नहीं करता, बल्कि वो अल्लाह की दी हुई नेमत और कुदरत और इख्तियार पे एतराज करता है कि अल्लाह तू क्यों देता है, तू मेरे मशवरे से दे, जिसको मैं कहूँ दे, जिसे मैं कहूँ वो उसको ना दे। गोया कि वो खुदाई मसनद पे अपने आप को बैठाना चाहता है, अल्लाह के दिए हुए के ऊपर जो है वो एतराज करता है। और ऐसे शारंगेज से अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम पनाह मांगो मिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद। तो अगर आप कुरान और हदीस का मुतालिया करें तो बहुत सारी कौमें इस वजह से भी हलाक हुई, उनमें ये बीमारी थी। और सबसे पहला जो इंसानों का दुश्मन है इन्ना हो लकुम अदुव मुबीन, वो शैतान है, इबलीस। जब अल्लाह के लिए फरमाया कि काला रब्बो का लिल मलाइका तस्जुदू लिआदमा फसजदू इल्ला इबलीस, तो अल्लाह ने कहा तुम सजदा करो, सब ने सजदा किया, शैतान ने ना किया, उसने तकब्बुर भी किया और नाफरमानी भी की। वकाना मिनल काफिरीन, और वो मुनकरीन में शामिल हो गया, और उसने ये पली ये ली आदम अलैहि सलाम से हसद की बिना पे कि ये जुमा जुमा आठ दिन अभी पैदा हुआ है, मैं सैकड़ों हज़ारों सालों से इबादत कर रहा हूँ, अल्लाह की अताअत कर रहा हूँ, जिहाद कर रहा हूँ। तो शैतान ने तकब्बुर भी हसद की वजह से कि उसको क्यों खिलाफत मिल रही है, मुझे मिलनी चाहिए थी। सब यहाँ एक लतीफ सा नुक्ता है कि जब अल्लाह ने फरिश्तों से मशवरा किया कि इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, क़ालू अताजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहमदिका व नुक़द्दिसु लक, क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। उसमें फरिश्तों ने जो आदम अलैहि सलाम के हवाले से अल्लाह से जो ऑब्जर्वेशन पेश की वो भी उन शैतानों जिन्नात की वजह से थी जो असद की वजह से बहुत फितने करते थे। उन्हें डर था कि अगर ये बीमारी इंसानों में पैदा होगी तो फिर जिन्नात क्या इंसान के तो बराबर हो जाए। तो इस बिना पर जो है ये ऐसी कभी बीमारी है, ये कल्बी रूहानी बीमारियाँ जो बेशुमार बीमारियों को जन्म देती है। और हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इय्याकुमुल हसद इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नार हतब, इससे बचो क्योंकि ये नेकियों की इस तरह खा जाती है, ये बीमारी जो है कि जिस तरह आग खुश्क लकड़ी को खा जाती है।
तो इसके बजाय फरमाया तुम रश्क करो। रश्क गिबता जिसको अरबी में कहते हैं, ये एक मुस्तासन अमल है कि अल्लाह तू ने ये नेमत मेरे दोस्त को दी, अजीज़ को दी, उसको अच्छी बीवी मिली, उसको अच्छी बहू मिली, नौकरी मिली, फलां ओहदा इक्तदार मिला, अल्लाह तूने उसको दिया, उसे भी सलामत रख और वो करम जो उस पर किया मुझे भी इस तरह मुस्तहक बना। और ये भी सरकार ने फरमाया कि दो लोगों से तो ज़रूर रश्क करना चाहिए, एक वो जिसको अल्लाह ने इल्म दिया खुद भी उससे फैजयाब होता है, मखलूक में भी बांट, और दूसरा जिसको अल्लाह ने माल दिया वो खुद से भी उससे बहरायाब होता है, फ़ायदा उठाता है और अल्लाह की मखलूक में भी तकसीम करता है। बाद में भी बात करेंगे रश्क पे, अभी बिल्कुल जी रश्क पे भी बात करने की हमें बहुत ज़रूरत है और इसमें और हसद में फ़र्क जो है उस पर भी बात करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी मैं चलती हूँ डॉक्टर साहब आपकी तरफ। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि हसद के बारे में कुरान और हदीस हमें क्या इल्म देता है और हमें क्या वईद सुनाता है? हसद दरअसल ये भी जो हमारे अखलाकियात में थे बुरे अखलाक हैं उनके हिस्सा है, बिल्कुल, जिसे हम बद अखलाकी कहते हैं। कुछ उसमें बद अखलाकी ऐसी है जो इंसान के मुंह से नज़र आ जाती है और कुछ मुंह से नज़र नहीं आती, चेहरे से, मुंह से, गुफ्तगू से। ये जो बद अखलाकी समझ, ये कल्बी बद अखलाकी है कि ये ज़हरी बद अखलाकी नहीं है, इसका पता नहीं चलता। इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ने कि मिन शर हासिद इज़ा हसद, जब वो हसद करे उसके शर से बचो। और उसके लिए फिर जैसे सूरह निसा की आयत भी पढ़ी इमरान साहब ने, तो ये ऐसी बीमारियाँ जिसमें किसी की दीनी या दुनियावी नेमतों को देख के इंसान अपने दिल में कुढ़ता है और कहता है कि ये इसे नहीं मिलनी चाहिए। ये दिल की यानी जहरा नहीं कहता जी। अगर वो जहरा कहे तो मुखालफत हो गई, होता ठीक, और वो इल्ज़ाम वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें हो गई। तो ये जो इस किस्म की बीमारी है ये इस्लाम इससे बड़ा रोकता है, इसलिए रसूल ने फरमाया कि इय्याकुम वल हसद, खबरदार हसद से बचो। और जैसे डॉक्टर साहब ने हदीस पढ़ी कि हसद जो है नेकी को ऐसे कहा जाता है जैसे वो आग आग लकड़ियों को, अब आग के अंदर लकड़ियाँ जलते हो जलते जलते, और ये जो नेकियों को खाते पता नहीं चलता क्योंकि कल्बी बीमारी है, लिहाजा अंदर जितनी नेकी होते ख़त्म हो चुकी होते हैं इंसान की। यानी एक होता है कि जहर से पता चलता है कुछ जहर, जैसे निफाक है या कोई अपना दूसरी चीज़ें हैं, झूठ बोलना है, कम तोलना है, ये तो वादे बद अखलाकी की मिसालें हैं। लेकिन ये तो बद अखलाकी मिसालें हैं, ये कल्बी है और इसके आने से इंसान के नेकियाँ ऐसे जल जाते अंदर पता नहीं चलता, और वो कहते ना फलां आदमी जल भून कर कबाब हो गया, ऐसे उसके सारे नेकियां ख़त्म होकर वो अंदर से कबाब हो चुका होता है। तो अब इसमें अल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी, अब इसमें ये होता है कि जब कोई हसद करता है तो उस हसद के असरात दूसरे पर भी पड़ते हैं, दूसरे पर पड़ते हैं। इसलिए रसूल ने फरमाया कि इस्तईनु अलल हवाइज बिल कितमान, अपनी हाजतों पर छुपाओ के ज़रिए से मदद तलब करो। यानी जो अपने अल्लाह ताला ने तुम्हें नेमतें दी हैं उनको लोगों को दिखाते ना फिरो, बल्कि जो ज़रूरत है वो दिखाओ, ऐसे खाम खा की उसकी रुनवाई ना करो उन चीज़ों की, ताकि लोग हसद किसी की नज़र लग जाए, हसद करें, उसका असरात ना हो जाए सारे। तो रसूल ने फरमाया कि जिसने किसी मुसलमान का दिल दुखाया तो उसने मेरा दिल दुखाया, तबरानी में हदीस है ये, और जिसने मेरा दिल दिखाया उसने अल्लाह ताला का दिल दुखाया। तो गोया कि हसद करने वाला वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भी दुखाता है और अल्लाह ताला का दिल भी दुखाता है। और फिर दूसरे हदीस में रसूल ने फरमाया कि जो उसने किसी मुसलमान का दिल दुखाया वो अल्लाह ताला से मलून हो गया, यानी उस पर अल्लाह की लानत पड़ती है कि मैंने इसे नेमतें दी हैं ये क्यों जल रहा है। हाँ ये है कि ये कह भी अल्लाह ताला आपने इसे भी नेमतें दी मुझे भी दें, ठीक है, ये तो नहीं कि अगर अल्लाह ने उसे नेमतें दिया तो उसके जल भुज के कबाब होना और ये कहना कि इसे न मिले। तो ये कल्बी बीमारी है जिसमें आदमी अपने दिल में ये तसव्वुर करता है कि ये चीज़ें इसे नहीं मिलनी चाहिए थी, इसे क्यों मिली, और ये जो है मेरा हक भी बनता था, यानी वो अपने हक को नहीं समझता, इसे नहीं मिलनी चाहिए बस। जी बिल्कुल, तो जी। ये हसद। तो डॉक्टर साहब की बात से इमरान मुझे लगा है कि जिस तरह दीमक लकड़ी को अंदर से ही ख़त्म कर देती है उसी तरह हसद इंसान के अंदर की नेकियों को ख़त्म कर देता है, तो इससे बचने की बहुत ज़रूरत है। चलते हैं जी वक्फे की तरफ और वक्फे से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। उनका सानी कोई खालिक ने बनाया ही नहीं, ऐसा बेमिसल बनाया कि कोई साया ही नहीं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन वक्फे के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है,
मगर वक्त हुआ है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आइए नात के अशआर से अपने दिलों को सुकून बख्श दें। वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी जब पहली नजर उनके रोजे पर पड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोजे पर पड़ी होगी। ये कूचा पे मलाइक की बारात खड़ी होगी, हर जा पे मलाइक की बारात खड़ी होगी। और क्या सामने जाके हम हाल अपना सुनाएंगे, हाल अपना सुनाएंगे, सरकारे कदर होगा अशे सरकारे कदर होगा अशेकों की लड़ी होगी। चारा ना कोई करे ना एक नाते सुना देना, एक नात सुना देना, ना चीजें जहूरी की जब सांसें उड़ी होगी, ना चीजें जहूरी की जब सांसें उड़ी होगी, वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी जब पहली नजर उनके रो माशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह। जी हलीमा, मुझे उम्मीद है कि आप हमें अच्छी अच्छी बातें बता के थकी नहीं होंगी, तो अगर आप थक नहीं गए तो हमारे लिए आप आज के सहरी में कौन सी अच्छी बात? बिल्कुल, आज इमरान बहुत ही एक छोटी सी बात है, हसद के बारे में वैसे हम बात करें, मेरी कोशिश थी कि हम उसी से मुतलक बात करें, लेकिन डॉक्टर साहबान के पास इतना इल्म का ज़खीरा मौजूद है कि अक्सर वो बातें कर जाते हैं जो मेरे दिल में होती हैं सेगमेंट में करने के लिए। तो आज की जो बात है वो ये है कि नेकी की बात बताना, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि किसी को भी नेकी की एक छोटी सी बात बताना सदका जारिया है, और ये बहुत बड़ी सखावत है। तो मैं आप लोगों से यही इल्तिजा करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में मौका मिले कि आप किसी को सुधार सकें, या कोई इंसान अगर आप लोगों के इर्द गिर्द कोई गलत बात कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है और आपको उसका इल्म हो गया है, तो प्लीज़ उसे बताएँ, हो सकता है उसे आपकी गाइडेंस की ज़रूरत हो, और ये आपके लिए भी बहुत बड़ा सदका जा रही है, और उसकी पूरी जिंदगी में भी जब वो ये अमल करेगा तो उसका भी थोड़ा सा सवाब आपको मिलता रहेगा बेशक। और हलीमा, कहा जाता है कि नसीहत करना या एडवाइस देना एक आदमी का दूसरे आदमी पर हक है। बिल्कुल, और अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों के हक अच्छे से अदा करता है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद-ए-गरामी है,
खैरुन नास मन यनफाउन नास, लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा नफ़ा रसा हैं वही सबसे बेहतर है। बिल्कुल। गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं सहरी की इस खसूसी ट्रांसमिशन में। अभी वक्त हुआ जाता है हमारे खूबसूरत से कलाम का, चलते हैं कलाम की तरफ। गंगा गया गल मुक दे नाही, भामे सो सो वो ते खाये, गया गया गल मुक दे नाही, भामे सो सो पंड पढ़ाइए। ओ बुले शा गलता जद मैनू दिलों गवाइए, पढ़ पढ़े आलम फाजल होयो, कदे अपने आप नू पढ़िया ही नहीं, जा जा वड़दा मंदिर मसीता, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं, ऐ मेरो शैतान नल लड़दा, कदी नफ्स अपने नल लड़िया ही नहीं। ओ बुले शा आसमानी उड़दियां फड़दा, ते जेड़ा कर बैठा ओनू फड़िया ही नहीं, सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, लेना की टोपी सिर तर के, चिल्ले की ते रब ना मिलिया, लेना की चिल्लियां विच वड़ के, तस्बी फिरी तेरा मन ना फिरिया, लेना की तस्बी हथ फड़के। बुले शाह चाग बिना दूध नहीं जमदा, भामे लाल होवे कड़ कड़ के, पढ़ पढ़े आलम फाजल होयो, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं, जा जा वड़दा मंदिर मसीता, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं, ऐवे रोज शैतान नल लड़दा, कदी नफ्स अपने नल लड़िया ही नहीं। ओ बुले शाह आसमानी उड़दियां फड़दा, जेड़ा कर बैठा ओनू फड़िया ही नहीं। माशाल्लाह बहुत खूब। सुभान अल्लाह। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं आऊंगी। मुझे बताएं कि रमजान को हम हसद के खात्मे का महीना कैसे कह सकते हैं? देखिए, रमज़ान वैसे लफ्ज़ ये रमज़ान से निकला है, जला देना, तो रमज़ान ये वो पाकीज़ा अल्लाह का महबूब महीना है कि जो गुनाहगारों के गुनाहों को जला के राख कर देता है। पहला अशरा रहमत का, दूसरा बख्शिश का, तीसरा जहन्नम की आग से निजात का। तो इसमें बेपनाह जहाँ
गुनाह जलते हैं उनमें हसद, ये भी एक गुनाह है, एक बीमारी है जो इंसान के कल्ब को, दिमाग को, किरदार को, बल्कि मुआशरे को आपने मिसाल दीमक की तरह ये अंदर से खोखला करता है, खा के चाट जाता है। तो इस बीमारी से बचने का इस तरह भी जरिया है कि सरकार फरमाती है कि तुम हसद की बजाय रश्क करो। रश्क के हवाले से मैं ये बात अर्ज करता हूँ, सरकार फरमाती है कि अगर अल्लाह ताला किसी को कोई नेमत देता है और तुम उस नेमत पे खुशी का इजहार करते हो तो अल्लाह के रिश्तों से कहता है कि नेमत मैंने दी और खुश ये हो रहा है, बेटा उसके घर हुआ, लड्डू ये बांट रहा है, नौकरी उसको मिल गई और ये शरीनी बांट रहा है और उसको मोहब्बत के पैगाम भेज रहा है, रिश्तों नोट करो, इसको मरने से पहले पहले ये नेकी अता करना, ये सादत इसे भी देना। और जिस वक्त अल्लाह किसी को कोई नेमत देता है, उस पर जलता है, कुड़ता है, असद करता है और इंतहाई अपने दिल को अंदर वो बोझ महसूस करता है, तो अल्लाह फरमाते हैं नेमत मैंने दी, सड़ ये रहा है, दुश्मन असद की आग में अक्सर जला करे, वो शमा का बुझे जिस रोशन खुदा करे। फरिश्तों नोट करो, सब को वो नेमत मिल जाए लेकिन इसको नहीं मिलनी चाहिए। तो कितना इंसान का जो है वो इस एतबार से नुकसान हुआ। तो इसका हल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम चाहते हो कि दिलों से ये हसद, कदूरत, बुग़्ज़, अनाद, दुश्मनी, नफ़रतें ख़त्म हो जाएँ, तो आपने चंद अमल बयान किए। नंबर एक फरमाया कि तुम कसरत से सलाम करो, अगर तुम्हें किसी ने सलाम किया तो उसका तुम जवाब दो। दूसरा फरमाया कि दूसरों को अच्छे नाम से बुलाया करो, उल्टे नाम ना डालो, हतक अमेज़, तहकीर अमेज़, उसकी इज्जत को या उसके रुतबे को कम करने वाले ना हों। तीसरा कि अगर कोई तुम्हारे पास आ गया तो उसको तुम अकोमोडेट करो, खाने पीने का वक्त है उसको वो पेश करो जो उसके लिए खैर कर सकते हो। बल्कि यहाँ तक फरमाया कि जो चंद कदम किसी मुसलमान की परेशानी को दूर करने के लिए चल के जाता है तो ऐसे ही है जैसे मेरे साथ खाना काबे में 2 महीने इतकाफ बैठा है। तो एक तो उसके दिल से बुग़्ज़, अनाद सब कुछ निकल जाए। तीसरा फरमाया कि तुम चाहते हो मुआशरे से ये बुराई ख़त्म हो जाए तो जिसका तुम्हें पता चले ना बीमार हो गया तो फौरन तीमारदारी करने जाओ, बुग़्ज़, अनाद ख़त्म, नफ़रतें ख़त्म। वो फौत हो गया तो कहते हैं कि वो तुम किसी की खुशी में रहते हो तो चलो कोई उज़र बनता है, लेकिन उसके दुख और गम में लाजमी शिरकत करो, फौरन जनाजे में जाओ, ताज़ियत करो, दिल जोई करो उनके जो अजीज़ व अकारब हैं, लवाहिकीन हैं उनके साथ। फिर फरमाया कि अगर चाहते हो कि हसद जड़ों से निकल जाए तो उसका कि तुम दावत दिया भी करो, दावत कबूल भी किया, तोहफे दिया भी करो, तोहफे लिया भी करो। फिर आपने एक फरमाया कि किसी को छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तुम आगे खुश हो यार हमकल्ला कह दो और उसकी खैरखाही करो, वो खैरखाही सिर्फ दिल में ना हो बल्कि उसका इजहार भी करो, चाहे कोई मौजूद है या मौजूद नहीं है। इससे दिलों की कदूरतें, बुग़्ज़, अनाद ख़त्म होते हैं, मोहब्बतें चाहतें बढ़ती हैं। सरकार ने कहा मोमन मोमन की तस्वीर होता है, ये सब एक जिस्म की तरह है, एक हिस्से को तकलीफ हो सारा जिस्म उसकी तकलीफ को महसूस करता है, एक दूसरे की खुशी गमी में शामिल हुआ करो, आसानियाँ पैदा करो, मुश्किलें पैदा न किया करो, बशारतें सुनाया करो, वो डराया ना करो, नफरतें पैदा ना किया करो। वकून व इबादल्लाह ये खवाना, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन के रहा करो। जी नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि रमज़ान रमज़ुम से निकला, जिसके मतलब है जलाकर राख कर देना। ये इंसानों की बुराइयों को जलाकर राख कर देता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम इखलास से और तहे दिल से ऐसा चाहें। दाता अली हज़वेरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी कशफुल महजूज़ शरीफ में फरमाते हैं कि जैसे तबीब दवाई उसको देता है जिसको मर्ज़ होता है, अल्लाह उसकी झोली भरता है जिसके दिल में तलब होता है। बिल्कुल, हमें चाहिए अपने तलब का दामन खोल कर रखे ताकि अल्लाह हम पर अपने करम की अदाएँ करता रहे। बिल्कुल। अपने दूसरे मेहमान की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हमारा सवाल ये है कि इस्लाम दीन फितरत है और जैसा कि हसद जो कि इंसानी फितरत में बहुत दूर तक अपनी जड़ें रखता है, तो इस्लाम ने इसके मुतबादल के तौर पर क्या मुस्बत कदर वज़ा की है? इस्लाम ने यहाँ पे ये बात हम ध्यान में रखें कि फितरत से मुराद क्या है। ये फतर यफ्तर से निकला है, जिसके मैंने फट कर चीज़ निकलना। अभी हम रोज़ा अफ्तार करेंगे ना, ये भी फितरत का एक हिस्सा है कि हमने मुंह को जो सारा दिन बंद रखा था उसको हमने खोल लिया। ठीक, लिहाजा इंसानी तबीयत जिस बात का तकादा करती है इस्लाम वही हुक्म देता है। अब मिसाल के तौर पर कोई चोर कहता है कि चोरी मेरी फितरत है, हम इस बात को इसलिए नहीं मानते,
अगर चोरी चोर के घर चोरी हो फिर वो खुश हो तो फिर ये तो वितरक हो सकती है। ठीक है ना, दूसरे घर चोरी करते हो उसे खुशी होती है, लेकिन अगर उसके घर चोरी हो तो फिर खुशी। लिहाजा फितरत की तारीफ ही हमारे वादे हो जानी चाहिए तमाम कारीन के सामने। अब इस्लाम दीन फितरत है और उसने हसद को इसलिए ख़त्म करने की कोशिश की है कि हसद जो है वो मुआशरे को तबाह करने का बायस है। हासिद जो है वो कभी भी खुश नहीं होता। अच्छा, हासिद जो है उसका अपना भी नुकसान करता है, यानी कि अपना नुकसान ना करे, अपना भी नुकसान करता है और दूसरे का भी नुकसान करता है। ठीक, अब मिसाल के तौर पे आप देखें कि हम एक इंटरनेशनल लेवल पे चले जाते हैं बैनुल मदायब में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप ऐलान करें, तो एक यहूदी मक्के में आया मदीने से, उसने जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा तो वो रोने लग गया और उसने कहा कि ये अब जो है हमारे से नबूवत निकल के बनी इस्माइल में चली गई है, और ये ने भी खुश और नहीं रोने लगे, यानी ये हसद देखकर कि जी हम से नबूवत निकल गई और वो सारे थे, तो हसद जो है वो अच्छा। उसका नतीजा क्या हुआ कि यहूदी सारे मुसलमान होने से रह गए, जो नेक थे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुस्सलाम, अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला इस किस्म के तो आ गए, बाकी वो के हसद की वजह से हसद को। और इस तरीके से हसद का नुकसान जो है वो ये होता है कि इंसान ईमान से महरूम हो जाता है, और इंसान जो है वो ईकान से महरूम हो जाता है, इंसान जो है वो एहसान से महरूम हो जाता है। एहसान ये है कि मैं दूसरे के नेकी के बदले से ज़्यादा उसे दूँ, और यहाँ तो मैं उसके अंदर जो नेकी आ रही है उससे जल रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए इस्लाम इस बात की कोशिश करता है कि मुआशरत हसद ख़त्म हो, ताकि तमाम मुसलमान भाई भाई बन कर रहें, एक दूसरे साथ उनके अंदर मोहब्बत हो। जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा, मैं बैठा था कहीं तो किसी ने हदीस पढ़ी कि जो मुसलमान है अल मोमिन मन सलिम अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी वजदे, मुसलमान हुआ जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। उन्होंने कहा जी ये तो फिर इस्लाम बैनुल अक़वामी मज़हब तो नहीं है। फिर मैंने सूरह निसाई में देखा, हदीस की किताब, उसमें लिखा था अल मुस्लिम मन सालिम नासु मिन लिसानी वजह से, के मुसलमान वो है कि बड़ी नौ इंसान उसके हाथ और जबान से महफूज रहे। अब जबान जो है जबान के अंदर दिल भी है, तो अब ये दिल कल्बी बीमारी है, लिहाजा हसद से हमने सारी बड़ी नौ इंसान को महफूज रहे। बिल्कुल नाज़रीन, हसद बेशक बहुत संगीन जुर्म है और इससे हमें बचाव का पूरा ध्यान रखना चाहिए, और हसद से बचने के लिए सबसे बड़ा अमल तकवा है, अल्लाह से डरना, उसकी रज़ा में राजी रहना और इस बात का ध्यान रखना कि अल्लाह ने जो हमें दिया है वो हमारे लिए बेहतर है, और जो अल्लाह ने हमें नहीं दिया वो भी हमारे लिए यकीनन बेहतर होगा। गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, वक्त पर छोटे से वक्त पे गए, मिलते हैं वक्त पे। वक्फे के बाद एक बार फिर आप लोगों को सहरी की इस खसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, आज की सहरी का मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि तारीख के औराक को अगर हम टटोल कर देखें तो हसद की तबाहकारी का कोई ऐसा वाक्या बयान करें जिससे हम कोई सबक सीख सकें। वैसे तो तारीख सारी से भरी पड़ी है, लेकिन क्योंकि हमारी तारीख इस्लाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल, तो अब हसद ये था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बनू हाशिम में से थे, बिल्कुल, और बनू उमैया से एक शख्स था उसका नाम हशाम था, और वो इतना दाना था कि उसे अबुल हकम कहते थे, और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत को दिल से मानता था, लेकिन वो कहता था कि ये बनू हाशिम के अंदर नबूवत आ गई और बनू उमैया के अंदर नबूवत नहीं, इसलिए मैं इसे नहीं मानता। और फिर उसने सारी उम्र उससे जलता रहा, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि उसका नाम अबू जहल पड़ गया। अबू जहल जो था इस हसद के अंदर जलते 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 आखिर वो इतना उसका अंजाम हुआ कि जंगे बदर में जब वो आया तो जंगे बदर में उसको दो मुसलमान माँ मुअव्वज़ और माँ जो छोटे बच्चे थे उन्होंने उसे कत्ल किया। अभी वो जिंदा था तो जब उसकी सर को अलहदा करने के लिए एक साहबी आए तो उसने कहा कि तू कौन है? उसने कहा फलां हूँ। उसने कहा अच्छा, मेरा सर जो है गर्दन से नीचे करके तुम काटना ताकि दूसरे सरों में वो बड़ा नजर आए। यानी हसद जो है इंसान को यहाँ तक पहुँचा दे, मरते तक उसके अंदर से वो कैफियत नहीं निकलती कि मैं बड़ा हूँ और इसे क्यों ये चीज़ मिली।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक देखें कि आपने उसके साथ हमेशा अच्छाई का बर्ताव किया, वो आपके चचा की जगह था, आप उसे कहते मेरे चचा की जगह है, लेकिन उसके बावजूद वो हसद के अंदर जल बन के वो अबू जहल बना, अबू जहल से फिर वो कत्ल हुआ, कत्ल होने के बाद फिर वो जो था रऊस और शयातीन में से बन गया। इसलिए हसद जो है वो इंसान को यहाँ तक पहुँचा। अस्तग़फिरुल्लाह। नाज़रीन, हसद इंसान को थोड़ा कमज़ोर भी बना देता है, बल्कि थोड़ा नहीं काफ़ी कमज़ोर बना देता है, और वह नाशुक्रा भी हो जाता है। और नाशुक्र के बारे में अल्लाह ताला कहता है कि जहाँ मैं शुक्र करने वालों के लिए नेमतों को बढ़ा देता हूँ, वहाँ कुफरानी नेमत करने वालों के लिए मेरी सज़ा बहुत सख्त है। हम अपने दूसरे मेहमान की जानिब आते हैं। डॉक्टर साहब, आप आज की सहरी में हमारे लिए कौन सी कुरान में मज़कूरा गज़ा का जिक्र करेंगे हमारे नाज़रीन के लिए? माह रमज़ान वैसे तो कहा जाता है कि ये सबर का महीना है, थोड़ा खाया पिया जाता है, लेकिन जो तजर्बा अमली तौर पे नज़र आता है वो ज़्यादा खाया जाता है। मुझे उसे अफ्तारी के वक्त इतना खा लेते हैं कि बाद उधर ही ढेर हो जाते हैं, और नमाज ही नहीं लोगों से पढ़ी जा रही होती, सिर्फ मगरब नहीं वो इशा तरावी सारी गुजर जाती, और सहरी तक फिर उसी को उतारते रहते, फिर सहरी इतनी को खाते हैं कि खा खा के फिर उधर ही। तो बहरहाल खाने पीने के हवाले से ये तिब्बे नबवी माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात बुजुर्गों ने ईसाई जमीला की, उन्होंने सरकार की सीरत को कुरान हदीस को सामने रख के बड़े बड़े हमारे लिए अच्छे अच्छे नुस्खा जात, लेकिन हमारी कौम के पास पढ़ने का वक्त नहीं। हालांकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। कुरान पाक में अल्लाह करीम ने जंजबील का जिक्र किया। जंजबील अरबी का यह लफ्ज़ है, कुरान पाक की इस्तलाह है कि अल्लाह फरमाता है कि जन्नत में जो जन्नती होंगे उन्हें एक तो दूध की नहरें होंगी, दूसरा जो है वो शहद की नहरें होगी, ठंडे पानी की भी नहरें होंगी, और उनको फिर मशरूब पिलाए जाएंगे। तो अल्लाह फरमाता है उनको ऐसा मशरूब देंगे जिसके अंदर ये अदरक के पानी की भी अमेज़िश होगी। अदरक का पानी जो है इसका रस जो है, बाद में उसका तर्जमा अदरक किया, बाद में सूंड जो है जब ज़रा खुश्क हो जाए तो सूंड बन जाती है, तो इसका ख़ास तौर पे जिक्र है। अतिबा की दुनिया में तो ये बहुत सारी बीमारियों को जड़ से उखाड़ने का जरिया है। अदरक जो है ये खाने में डालें, सालन में डालें तो टेस्ट बढ़ जाता है। फिर ये बादी जो चीज़ें होती हैं, हमसे गोभी लोग पकाते हैं या चने हैं, इस तरह की चीज़ें, उसके अंदर अगर ये अदरक का इस्तेमाल किया जाए तो उसकी बादी ख़त्म हो जाती है, और वो जिस्म को भी तवानाई ज़्यादा मिलती है, और फसल मादे भी पैदा नहीं होती। फिर अदरक का जो कहवा जो है, बल्कि हमारी मिसेज जो है वो जब गला शला ख़राब होने लगे वो अदरक का कहवा थोड़ा सा उसमें शहद डाल के, ये तो बड़ा पक्का इसका इलाज बताते हैं कि जितना अदरक का वो रस है उतना ये उसे डबल शहद डाल के उसको मिक्स करके जो है अगर उसको चाटा जाए, जितनी मर्जी शदीद खांसी हो वो फौरन कंट्रोल हो जाता है। बाज़ ने कहा थोड़ी सी उसमें हल्की सी जो है काली मिर्च जो है वो भी मिला ले तो उसका असर दोबारा हो जाता है। तो इस एतबार से अल्लाह करीम की हिकमत में है ये चीज़। अदरक फिर जो है ये जिस्म के मुख्तलिफ बीमारियों के लिए बड़ी मुफीद है, ये दिल को तवानाई देती है, ये इसका जो शुगर की बीमारी जो है इसके भी कम करने का ज़रिया है। अदरक का जो इस्तेमाल है ये सूंड के तौर पर बहुत सी दवाइयों में भी किया जाता है, जो जुशांदा वगैरह बनाते हैं उसमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं, फिर मेदे की बीमारियों के लिए भी, पेट की बीमारियों के लिए भी। तो इस एतबार से अदरक वैसे देखने में एक आम सा सब्ज़ी है, लेकिन इसका बल्कि वो जिनको जोड़ों का दर्द है, मुझे याद आ गया हमारे किसी अजीज़ को इस तरह शदीद तकलीफ़ हुई तो उन्होंने कहा जी अदरक और अनारदाना और पुदीना और उसके साथ जो है वो धनिया, ये इनको अच्छी तरह कूट काट के जो है ना इसकी चटनी बना के जो है वो एक चम्मच खाने के दौरान या दो चम्मच इस्तेमाल करें तो एक तो बादी नहीं होगी और दूसरा जो है वो जो घुटनों में जोड़ों में दर्द होता है उसका भी काफ़ी हद तक फाका हो जाएगा। तो वाकई वो जब इस्तेमाल कराया गया वो काफ़ी पुराने ज़ुबदतुल्हुकामा थे तो उससे बहुत फाका हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ। तो लिहाजा हमें ये सरकार की तालीमात में भी हैं, कुरान में भी अल्लाह ने इनका जिक्र किया है
तो इन चीज़ों से खुराक के हेर फेर से हमें अपना इलाज करना चाहिए बजाय बारी बारी दवाइयाँ। हाँ ठीक है, जिस वक्त बंदा समझे कि अब ये मेरे बस से बाहर हो गया तो फिर उसका भी जो है वो सहारा लें, ये भी सुन्नत है सरकार के इलाज मुआवजा कराना। लेकिन वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह माशाल्लाह 85 साल उम्र मुबारक थी, अपने दांत थे, अपनी आँखें थी और इतने स्मार्ट थे कि आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट, तो वो इन चीज़ों का कहते थे सबसे बेहतरीन बेटा इलाज जिस्म का वो एक्सरसाइज है, एक घंटा वर्जिश हर सूरत करें। दूसरा कहते थे कि खुराक की हेर फेर से, हर बंदा अपना खुद डॉक्टर और हकीम होता है, अगर ध्यान रखे तो ये चीज़ें अपने मसरफ में लाए, इस्तेमाल में लाए, तो इंशाल्लाह उसकी अपनी सेहत भी ठीक रहेगी, बच्चों की भी, बल्कि सारे घर वाले जो है वो सुधा खाता रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी ये बातें हम सब के लिए बहुत मुफीद होती हैं, अल्लाह आपको इसका जजाय खैर दे। हलीमा, अगर हम अपनी आज की बात को कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि हसद वो बीमारी है जिसे अल्लाह ने भी कुरान में बहुत सख्त वही सुनाई है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इसे मना फरमाया है। और अगर हम इसके बचाव की तरफ जाएं तो मुझे लगता है कि अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह तवक्कल करने वालों को पसंद करता है। अगर हम अल्लाह पे तवक्कुल करें, उसकी रजा में राजी रहें और जो वो हमें देना चाहता है उसको खुद हंसी खुशी बर्दाश्त कर लें, हासिल कर लें, तो मेरे ख्याल में हम खुद भी खुश रह सकते हैं और अपने आस पास भी खुशियाँ बख सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इस बीमारी से बचाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रश्क करने वाला बनाए, हसद करने वाला नहीं, और हसदों के हसद और नज़र रखने वाले जो लोग हैं, नज़र जो लोगों को लगाते हैं उनसे भी बचाए। मुझे और इमरान को दीजिए इजाज़त कल तक के लिए, इंशाल्लाह कल सुबह आप लोगों से दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और अपने वालदैन का बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।